एक जंगल में एक कौवा रहता था। उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, जिस कारण जंगल में वह हमेशा दूसरे पंछियों को चुनौती देता रहता और उसे लगता कि वह पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा काबिल बस वही है। वह हमेशा सोचता रहता कि वह सब कुछ कर सकता है, इसलिए वह जंगल में हर जानवर से ईर्ष्या रखता और किसी से भी सीधे मुँह बात नहीं करता। एक दिन जंगल में कहीं से बूढ़ा हंस आया। उसे भी कौवे के व्यवहार के बारे में पता चला, इसलिए उसने कभी भी कौवे से मिलने की कोशिश नहीं की। परंतु एक दिन दुर्भाग्य से उसकी मुलाकात कौवे से हो गई। कौवे ने उसे देखकर बड़े घमंड के साथ कहा, और हंस दादा कैसे हो? सुना है तुम बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ते हो। हंस ने उत्तर दिया, हाँ मैं काफ़ी ऊंचा उड़ लेता हूँ। कौवे ने कहा, लेकिन मुझसे ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते। चलो मुझसे प्रतियोगिता करो, देखना मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। हंस का मन कौवे से प्रतियोगिता करने का बिल्कुल नहीं था, उसने मना कर दिया। तो कौवा उसे उकसाने लगा, तुम तो बड़े डरपोक निकले, पहले ही हार मान बैठे। ठीक है, मैं भी समझता हूँ, अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी भी उम्र हो गई है। कौवे की ऐसी बातें सुनकर हंस को बहुत कष्ट हुआ। उसने प्रतियोगिता के लिए हामी भर दी। दोनों की प्रतियोगिता शुरू हुई, परंतु हंस ने जानबूझकर कौवे को जिता दिया। जीतने के बाद कौवे का घमंड और ज़्यादा बढ़ गया, वह हंस का मजाक उड़ाने लगा। तब हंस ने कहा कि हर कोई हर काम में काबिल हो ये ज़रूरी तो नहीं, मैं पानी पर भी चल सकता हूँ, क्या तुम पानी पर चल सकते हो? कौवा किसी भी सूरत में हंस से हार मानने को तैयार न था, उसने हामी भर दी। उसने कहा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता, तो पानी पर चलना कौन सी बहुत बड़ी बात है। दोनों तालाब के किनारे पहुंचे, हंस पानी में उतर गया और चलने लगा। उसे पानी पर चलता देख कौवा भी पानी में उतर गया, लेकिन उसने जब चलना शुरू किया तो कुछ दूर चलने के बाद वह पानी में डूबने लगा। उसने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया, तब हंस ने दया करके उसे बचा लिया और किनारे पर ले आया। हंस ने उसे समझाया, दुनिया में सभी प्राणियों के अंदर भिन्न भिन्न गुण होते हैं, हर कोई हर काम नहीं कर सकता, इसलिए झूठी शान झाड़ने से अच्छा है कि आदमी एक दूसरे की काबिलियत का सम्मान करे और साथ में मिलजुल कर रहे। अब कौवे को हंस की सारी बात समझ में आ चुकी थी। यहीं से इस कहावत का जन्म हुआ कि कौवा चला हंस की चाल। दोस्तों, कभी कभी हम जिंदगी में सोचते हैं कि हम हर काम में परफेक्ट क्यों नहीं हैं, हर काम हमें क्यों नहीं आता, मगर हमें ये समझना चाहिए कि हर काम में हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी एक काम में आप ज़रूर परफेक्ट बन सकते हैं, बस आपको उस काम को पहचानना होगा जिस काम के लिए आप बने हुए हैं। आपने मुझे बड़े धैर्य और विश्वास के साथ सुना। आप सभी का हृदय की अंतरतम गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।